होगा इनमें सुरों का सरताज, ये फैसला आज है और हम सबकी बाबा के चरणों में लाज है और हम सबके सिर पर बाबा का हाथ है और जब बाबा का साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। और इसी डरने के बाद में इन सभी तमाम प्रतिभागियों के हौसला अफजाई करते हुए मैं चाहूंगा कि आप तमाम जो भी श्रोतागण हमारे बीच मौजूद हैं एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे तमाम प्रतिभागियों का हौसला अफजाई कीजिएगा जो आज भजन गायन के माध्यम से सुरों का सरताज पहनेंगे। लेकिन इन्हीं सुरों का सरताज पहनाने के लिए देश के जाने माने कलाकार, ऐसे बड़े बड़े निर्णायक गण हमारे बीच मौजूद हैं जिन्हें वैसे परिचय की मोहताज नहीं है वो, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को उनसे रूबरू करवा देता हूं। हमारे बीच आज जो निर्णायक की भूमिका निभाएंगे वो तमाम गेस्ट जो अतिथि हमने आज बुलाए हैं जो निर्णायक की भूमिका हमारे बीच निभाने वाले हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा देता हूं, हमारे ब्यावर की जनता से उनको रूबरू करवा देता हूं। हमारे बीच में 2013 में राजस्थान पत्रिका गोल्डन वॉइस विजेता रहे, ईटीवी प्रतियोगी में सुरेला राजस्थान में प्रतिभागी रहे और जानी मानी कंपनी टी सीरीज राव के साथ में कई एल्बम रिकॉर्ड कर चुके हैं और संगीत के क्षेत्र में आप एक नाम जानते होंगे, जाना माना नाम रजब अली भारती के वो सारथी हैं जो आज दिखाएंगे संगीत का खेला। नाम है महेंद्र अल्बेला। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा हमारे आज निर्णायक की भूमिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कोटा की नगरी से हमारे बीच पधारे हैं महेंद्र अल्बेला। श्री सीमेंट सेंट्रल एकेडमी में संगीत अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं, कोटा यूनिवर्सिटी के संगीत के क्षेत्र में एमए डिग्रीधारी जिन्हें संगीत का पता है पूरा सार, हमारे बीच मौजूद हैं ऐसी शख्सियत श्री मुकेश कुमार। निर्णायक के रूप में मुकेश कुमार हमारे बीच मौजूद हैं, उनका भी तालियों से अभिवादन कीजिएगा। और एक और अगला चेहरा जिन्होंने ढोलक पर अपनी थाप छोड़ी और ना केवल इस देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई, ढोलक और तबला वादन में वो चमकता चेहरा क्योंकि वो खुद एक हुनरबाज है और उनका नाम ऋषि राज है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा ऋषि राज चावरिया, प्रसिद्ध ढोलक कलाकार और एक और बेहतरीन ढोलक कलाकार जो कि अब गायकार भी हैं। जयपुर की धरा से हमारे बीच पधारे हैं और ब्यावर में कई बार अपनी कला का जादू बिखेर चुके हैं। उनकी उंगलियां जब ढोलक पर पड़ती है तो ढोलक खुद बोलती है हे राम। ऐसी पहचान हमारे बीच जिनका नाम है मिस्टर निजाम, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिएगा मिस्टर निजाम भाई जो कि जयपुर से हमारे बीच पधारे हैं। अगली शख्सियत जो कि ब्यावर की धरा की पैदाइश है, भक्ति संध्या में भजनों की सहिता बहाने में ब्यावर में मेरे ख्याल से सबसे पुराना नाम है जो अपने काम से पहचाना जाता है, जिसने अपने जिंदगी की नाव को पार करने में कितने पड़ाव किए पार और उस पहचान का नाम है सतीश सिकरवार। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे निर्णायक की भूमिका में सतीश जी सिकरवार हमारे बीच मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। अगली पायदान पर निर्णायक की भूमिका में अंबुजा सीमेंट राबड़ियावास में संगीत के क्षेत्र में नवीन विद्यार्थियों को जो पढ़ाते हैं सुरों का अध्याय, हमारे बीच में मौजूद हैं दिनेश उपाध्याय। एक बार जोरदार तालियां दिनेश उपाध्याय के लिए, वो भी हमारे बीच निर्णायक की भूमिका में मौजूद हैं, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। एक ऐसी युवा शख्सियत जिसने युवा अवस्था में संगीत की माला को सुरों में पिरोया, अपनी सांसों में भक्ति को सजोया, उसके हुनर के लिए, उस युवा के हुनर के लिए बड़े बड़े संगीतियों ने दी है अपनी सहमति, राजसमंद नगरी से हमारे बीच मौजूद है नरेश प्रजापति, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। राजसमंद की धरा से
ब्यावर की धरा पर मौजूद नरेश प्रजापति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और निर्णायक की भूमिका में अगला नाम, उस शख्सियत के बारे में क्या बताऊं, वो खुद अपनी पहचान है। संगीत के क्षेत्र में उनकी शान है, ना केवल देश बल्कि विदेशों में भी उनकी कमान है। हजारों कलाकारों को मंच उपलब्ध करवाना उनका काम है। असली प्रतिभा का किया उन्होंने सम्मान है। ब्यावर की धरा पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर इस धरा को गौरवान्वित किया और आज का कार्यक्रम भी उन्होंने ही आयोजित किया। जाने माने पायल म्यूजिकल इवेंट के निदेशक बेस्टार विजय शर्मा, एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में जाना पहचाना नाम विजय शर्मा हमारे बीच मौजूद, उनका भी अभिवादन। और निर्णय की भूमिका में अगली पायदान पर जो मौजूद हैं, जो समझते हैं सुरों की चाल, नाम है मुकेश पालीवाल। एक बार जोरदार मुकेश पालीवाल के लिए तालियों की गड़गड़ाहट। तो निर्णायक की भूमिका में ये तमाम नौ मुख्य अतिथि हमारे बीच में, जो देश में जाना माना नाम है, वो तमाम हमारे बीच मौजूद हैं। और मौजूद हैं वो तमाम प्रतिभागी जो आज गायन प्रतिभा में अपना दमखम दिखाने वाले हैं और अपनी प्रतिभा के दम पर सुरों का सुरताज, सरताज पहनने वाले हैं। तो प्रतियोगिता शुरू करेंगे। मैं तमाम प्रतिभागियों से कह दूं कि आज तीन चरणों में प्रतियोगिता आयोजित होनी है। पहला चरण जो कि फ्री स्टाइल चरण होगा, जिसमें आप फ्री स्टाइल रूप में आप अपना गायन कर सकते हैं। करीब 23 प्रतिभागी फ्री स्टाइल में गायन प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाएंगे। और उसके बाद दूसरे चरण में 23 में से करीब 13 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। 13 प्रतिभागियों के चयन के होने के पश्चात द्वितीय चरण में सेमी क्लासिकल राउंड होगा और सेमी क्लासिकल राउंड के बाद फाइनल महामुकाबला जो कि क्लासिकल अंदाज में होगा, जिसमें करीब 7 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा और उन 7 प्रतिभागियों में से एक होगा आज के शुरू का सरताज, महाविजेता, महामुकाबला का संगीतज्ञ का, इन तमाम अतिथियों के द्वारा जाना माना अगला पहचाने जाने वाला नाम, जिनका नाम ना केवल ब्यावर बल्कि देश भर में जाना पहचाना जाएगा। तो शुरू करते हैं महामुकाबले की पहली कड़ी, पहला चरण। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम प्रभु ईश्वर को याद करें, गणपति अरदास करें, उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद लें, जिसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत हो सके। तो क्या आप भी बुलाने को तैयार हैं? गणेश आराधना करने के साथ गुरु वंदना करते हैं और प्रभु को बुलाते हैं और कहते हैं कि कदम रखते हैं जिस घर में भगवान, वहां खुशहाली छा जाती है। और मिलता है जिसको भगवान का साथ, उसकी तो तकदीर बन जाती है। तो बनाते हैं अपनी अपनी तकदीर, बुलाते हैं प्रभु को इस धरती पर, इस धरा के इस प्रांडाल पर, और उनके आशीर्वाद के बाद शुरू करते हैं आज की प्रतियोगिता का आगाज। और मैं आवाज देना चाहता हूं संगीत के सम्राट कोटा की नगरी से हमारे बीच पधारे हुए महेंद्र जी अलबेला, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। हमारे बीच मौजूद है महेंद्र जी अलबेला, उनसे गुजारिश है कि आप हमारे प्रभु श्री गणेश जी की आराधना कर, उन्हें इस धरा पर बुलाकर उनका आशीर्वाद लेकर आज की प्रतियोगिता का आगाज कर दे। आज के हिसाब ये प्रतियोगिता का विचार कैसे आया? आज 21 साल हो गए खम्मा खम्मा पैदल भंडारे को और 2 साल से हम प्रतियोगिता कर रहे हैं इस मंच पर। सर्वप्रथम पूजनीय हमारे भजन सम्राट स्वर्गीय श्री बावजी, जिसको हम पुकारते हैं रामनिवास जी राव, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उनकी प्रेरणा से ये ब्यावर लोक कला मंडल, ये लोक कला मंडल का जो लोगो है उनकी तरफ से मेरे को मिला था, इसलिए मैंने कोरोना के अंदर इस ब्यावर लोक कला मंडल को स्थापित किया और
दूसरी भजन प्रतियोगिता करवा रहा हूं। और इस भजन संध्या को एक प्रेरणा स्रोत जो हमारे कंधे से कंधा मिला करके हमारे आशीर्वाद रूप में श्रीमान मोइनुद्दीन जी मंचला साहब, मैं चाहूंगा दोनों गुरुओं के लिए एक साथ तालियां बजा दीजिए सभी मिलकर के। और आज की ये भजन संध्या हम प्रारंभ करते हैं महेंद्र जी अलवेला के साथ। और मेरा निवेदन है कि जितने भी कैंडिडेट हैं वहाँ पे जो प्रतियोगी है सिर्फ वो ही बैठे, और सभी जो कलाकार गुणीजन और बैठे हैं ये आपके लिए यहाँ पे व्यवस्था है, आप यहाँ आके विराजित हो जाएं। जो कैंडिडेट है जो प्रतियोगी है वही बैठे हैं वहाँ पे प्लीज, बाकी सभी आकर यहाँ विराजित हो, आपकी के लिए व्यवस्था ही है। ये आपका अपना कार्यक्रम है, ब्यावर लोक कला मंडल पूरे ब्यावर के कलाकारों का द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, सब आप सहयोग देंगे, आप सभी आ जाएं, सारी व्यवस्था आपको बनाए रखनी है प्लीज। और ये बैरिकेड के पीछे भी जो मेरे भाई लोग खड़े हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है एक बार सामने आ जाएं, सभी वो आप पीछे से खड़े न रहे, पीछे आ जाइए इधर। और बाहर जो भी खड़े हैं मेरे दोस्त सब आगे आ जाइए। तो लीजिए महेंद्र जी, हेलो हेलो, खम्मा खम्मा पैदल यात्री भंडारा, जो हर साल की भांति मेरे हिसाब से मारवाड़ क्षेत्र में सबसे बड़ा भंडारा यहाँ पर सजाया जाता है बाबा की कृपा से। और आज ब्यावर लोक कला मंडल के तत्वधान में ये बहुत सुंदर सा कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया है। और जितने भी हमारे जो आज इस प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं, मैं सभी को पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अच्छा गाए और हमारे इस ब्यावर शहर का पूरे राजस्थान का नाम करें। और बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमारे सभी ब्यावर वासियों को, हमारे ब्यावर को जिला बनने पर बहुत बहुत बधाई, एक बार तालियां बजा दीजिए आप जोर से। आइए, हमारे यहाँ पर सभी गुणीजन यहाँ विराजमान हैं, मुझे अवसर मिला है शुरुआत करने का, तो मैं एक बाबा गणपति महाराज की वंदना आप सभी के बीच यहाँ पर पेश करने जा रहा हूँ। बाबा का सुंदर सा ये भंडारा लगा है, उसके बाद बाबा की रचना भी हम सुंदर सुंदर से सुनाएंगे, लेकिन शुरुआत रिद्धि सिद्धि के दाता से हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। विघ्न हरण गौरी के नंदा श्री गणनायक गणराज, रिद्धि सिद्धि पधार जो मारा पूरण के जो का। विघ्न हरण गौरी नंदा श्री गणनायक गणराज, रिद्धि सिद्धि पधार जो बाबा पूरण की जो का। तो आइए सभी मिलकर भगवान गणेश जी महाराज को बुलाते हैं, और क्या कहना है। हो सारे जगत में सबसे ही प्रथम, हो सारे जगत में सबसे ही प्रथम तेरी पूजा हो रिया गणपति बप्पा। देखिए ये भजन की शुरुआत है, और हमारे बहुत सारे सुरीले सुरीले बच्चे और सुरीले सुरीले फनकार यहाँ पर बैठे हैं, एक बार बाबा गणपति महाराज का नाम मेरे साथ लेना है। हो सारे जगत में सबसे ही प्रथम
तेरी पूजा हो रिया गणपति बप्पा गणपति बप्पा गणपति है। तो आइए मिलकर बुलाते हैं बाबा गणपति महाराज को, क्या कहना है। सारे जगत में सबसे ही प्रथम में सारे जगत में सबसे ही प्रथम में तेरी पूजा हो गणपति बाबा गणपति महाराज के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए, जिनको दिए हैं बाबा ने दोनों हाथ एक बार मन से मीठी मीठी ताली के साथ, थोड़ा और मीठा। ये बात ब्रह्मा विष्णु महेश भी आवे सबसे पहले तेरा नाम ध्यावे। दोनों हाथ ऊपर रहने चाहिए, हमारे म्यूजिशियन की आवाज कम आएगी, आपकी तालियों की ज्यादा आएगी। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आवे सबसे पहले तेरा नाम ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आवे सबसे पहले तेरा नाम ध्यावे। सन्मुख दाता सबके विधाता सन्मुख दाता सबके विधाता तेरी कृपा हो गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा मोरिया।
पिता पुरख तेरे शंकर का हावे, पिता पुरख तेरे शंकर का हावे, गोरिया तेरी माता का हावे, गोरिया तेरी माता का हावे, गोद बिठा के हाथ लड़ा के, गोद बिठा के लाड लड़ा के तुझे सुनावे लोरिया। यहाँ पर जितने भक्त बाबा रामसा पीर के बैठे हैं, एक बार दोनों हाथ अपने ऊपर उठाकर मेरे साथ गाएंगे। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। आज बहुत सुरीले सुरीले कलाकार यहाँ पर हैं, सबको सुनना है। अगर आप वास्तव में भक्ति का आनंद लेने आए हैं तो जरा दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए एक बार, और छोट मीठी मीठी सी रिदम भी चलेगी साथ में। ओ मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, ओ मोरिया 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 रे। बहुत जल्दी गणपति महोत्सव आने वाले हैं, दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली के साथ। मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, ओ मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया मोरिया रे, मोरिया 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 रे, ओ मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। बोलिए गजानंद गणपति महाराज की, साचे दरबार की। मजा आया तो तालियां बजा सकते हैं आप, कोई बाउंडेशन नहीं है। आइए, जैसा कि बाबा गणपति महाराज की वंदना मैंने की है, और पहली बार किसी मंच पर मैं शुरुआत कर रहा हूं, नहीं तो हमेशा मेरा नंबर बीच में आता है, बहुत सारे कलाकार जानते हैं। तो भजन में मैं कैसे गाना सीखा और भजन की जो शुरुआत मैंने की, जो मेरी इष्ट देवी है महामाई मैया रानी, मैं उनके जगराते गा गा के भजन करना सीखा हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो माता के जगराते कर कर, माँ की भक्ति कर कर गाना सीखे हैं, लेकिन अभी आप उन लोगों से बात करेंगे तो वो या तो जय श्री श्याम या जय श्री महाकाल करेंगे। लेकिन मैं जहां भी जाता हूं हिंदुस्तान के किसी भी मंच पर, उस जगत जननी महामाई मैया रानी की भेंट जरूर गाता हूं, जिसने मुझे एक भजन गायक का नाम दिया है, जिसकी उंगली पकड़कर मैं चलना सीखा हूं। एक छोटी सी रचना मैं मैया रानी की यहां पर रखने जा रहा हूं, उसके बाद बाबा की रचना मैं आप सभी के बीच रखूंगा। और जो माँ के भक्त है, माँ शेरावाली के, वो एक बार मुझे हाथ ऊपर उठाकर बता दीजिए, जोरदार तालियां बताकर बता दीजिए, क्योंकि मैं मैया रानी की भेंट जहां जहां भी जाता हूं शुरुआत उनके नाम से करता हूं, लेकिन आज मुझे अवसर मिला है कि गणेश जी महाराज की वंदना के साथ मुझे मौका मिला। आइए मैं एक भजन मैया रानी का आप सभी के बीच रखता हूं। आज की भजन संध्या के प्रायोजक पूरण सिंह जी रावत धर्मा भाई हमारे बीच पधार चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं गुजारिश करूंगा
हमारे रमेश जी जांगिड़ साहब से और विजय जी से कि वो उन्हें स्थान ग्रहण करवाएं। पूरन सिंह जी रावत साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन इस विशाल तृतीय पथक प्रतियोगिता। मैं नहीं जानूं पूजा तेरी, पर तू ना करना मैया दे। मैं नहीं जानूं पूजा तेरी, पर तू ना करना मैया दे। तेरा क्या बात है, जोरदार तालियों की तरह हर के साथ महेंद्र जी अलबेला। लाज तो रखना मैया, कह दीजिए सच्चे दरबार की मां से भक्त क्या कह रहा है। सूने मन में मां जल गई बात, सूने मन में माँ जल गई बातें, तेरे पत पर माँ मिल गए साथी। तूने सबको दर्शन देकर, तूने सबको दर्शन दे अपने गले लगाया शेरवालिए। मैं आया जो तवालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरवालिए। मैं आया जो तवालिए, ओ शेरवालिए पहाड़ा वालिए, हो शेरा वालिए पहाड़ा वालिए, हो लाठा वालिए तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। मैं आया जो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शोता वालिए। अपने गले लगाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए।
मुझसे कहा है कि पहले हमारी ब्यावर की जनता को एक बार थोड़ा सा भक्ति के लिए जागरूक करें, उसके बाद ही इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। और मीठा कर दीजिए, खाली कॉर्ड रखिए, दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए जो बाबा के सच्चे भक्त हैं, ताली के साथ। जरा प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, इतने सारे भक्त हैं, आवाज जरा जोरदार आनी चाहिए मिलकर। हो जरा प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आवाज न आए जय माता दी, जरा मिलकर बोलो जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों, जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पांव के छालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पांव के छालों को, जिसने जित ना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने सबसे पहले उस मैया का गुणगान इसलिए करता हूं कि आज जो भी हूं सब उसकी बदौलत है, इतना दिया मेरी मैया ने जितनी मेरी औकात नहीं, ये कर्म है मेरी मैया रानी का, वरना मुझ में कोई बात नहीं। बोलिए सांचे दरबार की, सांचे दरबार की, क्योंकि अपने अपने इष्ट होते हैं। जैसे आज मैं काफी साल से रमेश जी को देखता आ रहा हूं, बाबा के बहुत ही अटूट भक्त हैं, तो ये मुझे लगता है कि जहां भी जाते होंगे इनके नाम से शुरुआत सबसे पहले करते होंगे। ऐसे ही मैं जहां भी जाता हूं मेरी मैया के नाम की शुरुआत करता हूं, और जिनको जिन पे भरोसा है वो उनका बेड़ा पार लगाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की, तो जिनको भरोसा है उनके लिए एक लाइन लिखी है। हाँ जी भाई साहब, तेरी बिगड़ी बनाएगी, हो तेरी बिगड़ी बनाएगी, लेकिन विश्वास जरूरी है, ओ तेरा साथ, तेरा साथ, ओ तेरा साथ निभाएगी। ये हमारे बाबा के लिए भी लाइन है,
और तेरा साथ निभाएगा विश्वास जरूरी है। बोलिए सच्चे दरबार की, जिन जिनको विश्वास है बाबा पर वो दोनों हाथ ऊपर उठा ली, जिनको नहीं है कोई बात नहीं, ताली के साथ। हो तेरी बिगड़ी बनाएगा, विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। और जिनको बाबा रामदेव जी पर विश्वास है दोनों हाथ, मैं चाहता हूं कि ढोलक से ज्यादा आपकी तालियों की आवाज आनी चाहिए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर, एक दो तीन और मीठा कर दीजिए। हाँ जी, थोड़ा कैमरा एक बार इधर घुमाइए, मैं देखना चाहता हूं बाबा के कितने भक्त हैं। हाथ ऊपर होने चाहिए, बिल्कुल सीधे सीधे, ताली के साथ। तेरी बिगड़ी बनाएगा, तेरी बिगड़ी बनाएगा, विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है, हो तेरा भजनों को गाएगा, कर हो भरोसा पक्का अपने संग में तू पाएगा, तेरे संग संग चलेगा ये, ओ तेरे संग संग चलेगा ये, आभास जरूरी है, आभास जरूरी है, ओ तेरी विश्वास जरूरी है, 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 विश्वास जरूरी है। जयकारा शेरा वालिदा, बोल सच्चे दरबार की, बोले राम सा पीर की, बोले रूणी जरा शाम की। हमारे बीच नगर परिषद जी महोदय श्रीमान विकास जी कुमावत पधार चुके हैं, एक बार तालियों के साथ में अभिवादन कीजिएगा विकास जी कुमावत साहब का, खम्मा खम्मा पैदल यात्री भंडारे की तरफ से आपका अभिवादन, आपका स्वागत। विकास जी कुमावत हमारे बीच मौजूद, आपकी उपस्थिति हमारे लिए गौरवमयी है। महेंद्र जी अलबेला जी का भी बहुत बहुत आभार, विश्वास जरूरी है, बाबा रूठ जाए तो मनाना जरूरी है। कि साथ साथ चलने में देर कितनी लगती है, कि साथ साथ चलने में देर कितनी लगती है, और ये मौसम है इसे बदलने में
देर कितनी लगती है, और मेरे बाबा अगर रूठेंगे तो मैं मना लूंगा, वो भाव का भूखा है, उसे पिघलने में देर कितनी लगती है। तो आओ बाबा को मनाए राम सफीर के चरणों में एक और प्रस्तुति, क्योंकि खम्मा खम्मा पैदल यात्री भंडारे में बाबा राम सफीर को मनाने के लिए हमारे बेहतरीन भजन गायक महेंद्र जी अलबेला का बाबा के चरणों में एक और प्रस्तुतिकरण। आइए एक जिनका दरबार लगा है बाबा का, एक बड़ा सुंदर भजन है, आप सबका सुना हुआ भजन है। अच्छा है, मुझे यहाँ पर जो विराजमान है जितने भी भक्त, उनमें से बताइए पैदल यात्री कितने हैं जो बाबा के जा रहे हैं, जरा हाथ ऊपर उठाओ। ओहो, थोड़ा इधर आ जाइए ना, आप बड़े पीछे हैं। एक ऐसा भजन है, मैं चाहता हूँ कि उसमें बाबा के लिए थोड़ा सा झूम कर नाच कर हाजिरी लगाएंगे तो बड़ा अच्छा। इस बीच बोले राम साहब पीर की जय हो। इस बीच हमारे मुकेश जी पालीवाल की तरफ से पायल म्यूजिकल इवेंट के तमाम म्यूजिशियंस को 500 रुपए का नगद पुरस्कार, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा हमारे मुकेश जी पालीवाल साहब का। थैंक यू सो मच। जितने भी पैदल यात्री हैं बाबा के, मैं चाहता हूं कि ये भजन स्पेशली मैं आपके लिए गा रहा हूं, और आप इस पर थोड़ा सा झूम कर नाच कर हाजिर लगाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ जी, रामा सामिया अब जो कल जुग बैत करूं, अर्ज करूं अजमाल रा मारो हे लो सुन जो जरूर। तो बाबा के लिए क्या कहना है, हो मरुधर में जोत जगाए गयो बाबो थोड़ी धजा फेराए गयो, मारो सावरियो बनवारी रे बड़ो पचरंग में जाधारी, ओ भगतारे कारण अजमल घर अवतार लियो। अच्छा, कोई कैंडिडेट गाने वाला है इस भजन को? अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, मुझे बताया नहीं गया। चलिए भजन चेंज करते हैं। एक बार जोरदार तमाम तमाम भक्तगण एक बार जोरदार बोल दिए, बोले राम सफीर की। अरे धोरा री मरुधर री, अरे धोरा री धरती पर बाबो उड़तो आवे रे घोड़ो बाबे रो घोड़लियो पीरा रो, ओ घोड़ो बाबे रो घोड़ो पीरा रो, अरे धोरारी अरे धोरारी धरती पर बाबो उड़तो आवे रे घोड़ो मारो बाबा रो घोड़लियो पीरा रो, ओ घोड़ो बाबा रो ओ घोड़ो पीरा रो। एक बार हमारे जितने भी पैदल यात्री हैं वो थोड़ा सा नाच कर झूम कर हाजिरी लगाएंगे, तो दोनों हाथ खोलकर ताली के साथ। अरे धोरारी अरे मरुधर री धरती पर बाबो उड़तो आवे रे ओ घोड़ो बाबा रो घोड़लियो पीरा रो, ओ घोड़ो मारो बाबा रो घोड़लियो पीरा रो। हो
घोड़लियो मंगवाए मारी माँ मने घोड़लियो मंगवा मने घोड़लियो मंगवाए मारी माँ मने घोड़लियो मंगवा बाबा का बहुत ही पुराना भजन है और भादवे का महीना जब जब भी आता है तो ये भजन बड़ा बहुत ही सुंदर लगता है और जिन जिन को बाबा का ये भजन अच्छा लगता है दोनों हाथ बाबा के लिए ऊपर उठाकर ताली के साथ हे मने घोड़ लियो मंगवाए मारी मां मने घोड़ लियो मंगवा मने घोड़ लियो मंगवाए मारी मां मने घोड़ लियो मंगवा और ये हमारे जितने भी जजेस बैठे हैं उनके लिए लाइन है हो सावरी यारी प्रीत में है दो बातों का दुख सावरी यारी प्रीत में है दो बातों का दुख नहीं आवे नहीं ले जावे नहीं आवे नहीं ले जावे फिर किन बातारों सुख मारा सावरी यारे मारा सावरी और जिनको भजनों में थोड़ा बहुत भी आनंद आया है वो हाथ उठा सकता है जिनको नहीं आया कोई बात नहीं अगले राउंड में और कोशिश करूंगा अभी धीरे 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 मेरे ये गला खुलने वाला है फिर और आनंद आपको आएगा एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए जिनको आनंद आया वो तालियों के साथ
हे मन घोड़ लियो मंगवाए मारी माँ, मन घोड़ लियो मंगवा, मन घोड़ लियो मंगवाए मारी माँ, मन घोड़ लियो मंगवा। घोड़े चढ़ने घूम जासू, घोड़े चढ़ने घूम जासू, घोड़ लियो घोड़ लियो घोड़ लियो मंगवाए मारी माँ, मन घोड़ लियो मंगवाए मारी माँ, मन घोड़ लियो मंगवा, मन घोड़ लियो मंगवाए मारी माँ, मन घोड़ लियो मंगवा। राम राम बहुत बहुत आभार महेंद्र जी का। बोलो राम सा पीर की, अरे जोर से बोलो, अज जोर से बोलो, मैंने सुनिया। क्या बात है कि वो तैरते तैरते डूब जाते हैं जिन्हें खुद पर गुमान होता है, कि जो तैरते तैरते डूब जाते हैं जिन्हें खुद पर गुमान होता है, और वो डूबते डूबते तर जाते हैं जिस पर बाबा मेहरबान होता है। बोलो राम सा पीर की। हमारे इस विशाल द्वितीय भजन प्रतियोगिता के बीच में हमारे अतिथि के तौर पर विकास जी कुमावत साहब, पूरण सिंह जी रावत साहब, धर्म भाई, तमाम अतिथिगण पहुंच चुके हैं। उनका मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिएगा। विकास जी कुमावत साहब को तो आपने देखा ही होगा, ये दिखते बहुत शांत हैं लेकिन अंदर से बहुत खतरनाक है साहब। कि जो जहाजों को डुबो दे उसे तूफान कहते हैं, कि जो जहाजों को डुबो दे उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टक्कर ले उसे विकास कुमावत जैसा इंसान कहते हैं। ये वो इंसानियत है, और इस इंसानियत को सलाम भी करना चाहिए क्योंकि ब्यावर खेत में तमाम कई कदम उठाए हैं इस शख्सियत ने। पूरण सिंह जी धर्मा भाई भी हमारे बीच मौजूद है, जिन्होंने पूरा दारमदार इस प्रतियोगिता का उठाया है, उनका भी हम अभिवादन करते हैं, और जिसका इंतजार आप सभी कर रहे हैं उसका आगाज करते हैं। भजन गायन प्रतियोगिता जिसमें करीब 23 प्रतिभागियों का आज प्रतिभा का मंचन होना है और जजमेंट होना है कि कौन होगा सुरों का सरताज, उसकी करते हैं शुरुआत। अगर आपकी आज्ञा हो तो बुलाएं आज। पहली पायदान पर मैं आवाज देना चाहता हूं और आज की प्रतियोगिता का आगाज करना चाहता हूं। मैं सभी प्रतिभागियों से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रथम चरण फ्री स्टाइल चरण है। इस चरण के अंदर प्रत्येक प्रतिभागी को 7 मिनट मिलेंगे, आप नोट कीजिएगा, 7 मिनट आपको मैक्सिमम मिलेंगे। उसमें आपको आपकी प्रतिभा का मंचन करना होगा, अपनी प्रतिभा दिखानी होगी। हमारे निर्णायकगण तमाम यहां मौजूद हैं, वो आपकी प्रतिभा को जांचेंगे, जज होगा, और कौन होगा सुरों का सरताज वो समय बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा के इस दरबार में इस विशाल भजन गायन प्रतियोगिता का आगाज करते हैं, और पहली पायदान पर मैं आवाज देना चाहता हूं। पाली की धरती से हमारी इस ब्यावर की धरा पर पधारे पहले प्रतिभागी के रूप में प्रमोद सोनी, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिवादन कीजिएगा हमारे पहले प्रतिभागी प्रमोद सोनी, जो सिरियारी पाली से हमारे बीच मौजूद है। मैं गुजारिश करूंगा कि आप मंच पर आए। सभी प्रतिभागी ध्यान दें, 7 मिनट आपका समय होगा। अगर आपने ज्यादा समय लिया तो आपकी माइनस मार्किंग हो सकती है, आप ध्यान रखें। विजय शर्मा इधर इधर, मैं ऋषिराज,
हमारे बीच ब्यावर खजाना पहचाना नाम समाज सेवी इंदर सिंह जी बागावास साहब भी हमारे बीच पधार चुके हैं। आपका भी बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। खम्मा खम्मा पैदल यात्री भंडारा ब्यावर लोक कला मंडल किस विशाल द्वितीय भजन प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच समाज सेवी और भाजपा नेता और ब्यावर शहर की प्रतिष्ठित पहचान इंदर सिंह जी बागावास साहब हमारे बीच मौजूद हैं। एक बार चाहूंगा तमाम भक्तगण से कि एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा हमारे इंदर सिंह जी बागावास साहब का। और लक्की जी मकवाना भी हमारे बीच मौजूद हैं। एक मिनट